और देखिए मथुरा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कृष्णा विहार में पानी की टंकी गिर गई है। पानी की टंकी गिरने से महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो मथुरा के कृष्णा विहार में एक बड़ी घटना हो गई है, पानी की टंकी गिर गई, एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई है मलबे में दबने से, और कई लोग और भी दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना को बुलाना पड़ा है। कान्हा अग्रवाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कान्हा बताइए, अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? गौरव जी मैं बता दूं, जिस तरह से ये हादसा हुआ था वहां पर जब अफरा तफरी का माहौल मच गया था, लेकिन उसके बाद यहां पर शासन प्रशासन मौके पर पहुंचा और एनडीआरएफ की टीम पहुंची, जहां उन्होंने रेस्क्यू चलाया। और अभी भी जहां पर जहां तक जानकारी मिली है सेना पहुंच चुकी है, और यूपी सरकार के जो प्रवक्ता है उनका कहना है कि मलबे में किसी की दबे होने की आशंका नहीं है, लेकिन फिर भी सेना की मदद ली गई है, जहां पर सेना पहुंच चुकी है और रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है सेना के द्वारा। अभी वहां पर प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन का ये कहना है कि अभी की कोई भी मलबे में दबने की कोई आशंका जताई नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी जो सेना के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है, यदि उसमें कोई भी मलबे के अंदर दबा हुआ मिलता है तो उसको बाहर निकाला जाएगा और उसका इलाज कराया जाएगा। तमाम जानकारियों के लिए मथुरा के कृष्णा विहार में पानी की टंकी गिरी है, दो लोगों की मौत की खबर है पानी की टंकी गिरने से, और कई लोगों के दबे होने की आशंका है।